सिंध पुलिस में जिद्दत लाने वाले डीआईजी मकसूद अहमद इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के सदर मुंतखब हो गए। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास इटली के शहर मिलान में हुआ, जहां सिंध पुलिस से ताल्लुक रखने वाले डीआईजी मकसूद अहमद को आईपीओ पाकिस्तान सेक्शन का सदर मुंतखब किया गया। मकसूद अहमद को सदर मुंतखब किया जाना पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद अफसरान की पेशा वाराना सलाहियतों में इजाफे का बाइस होगा। पुलिस अफसरान को आलमी सतह पर पजीराई के साथ साथ आलमी मयार की पुलिसिंग से आगाही मयसर आ सकेगी। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नौ मुंतखब सदर मकसूद अहमद ने पुलिस अफसरान पर जोर दिया कि वो आलमी सतह पर पुलिसिंग से आगाही चाहते हैं तो रुकनियत साजी को फरोग दें। मकसूद अहमद का कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट को आलमी मयारी फोर्स बनाने और अफसरान की अहलियत और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा हासिल किया जाएगा। डीआईजी मकसूद अहमद ने सिंध पुलिस में बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। तंजीम के कयाम का मकसद पेशावराना अंदाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में इजाफा है। आईपीओ आलमी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर तंजीमों से मुंसलिक है। डीआईजी मकसूद अहमद महकमा पुलिस में अपनी 20 साल सर्विस के दौरान अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान में नुमाइंदगी करना एजाज की बात है। तंजीम के बैनुल अक्वामी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मुल्क से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ये तंजीम पुलिस अफसरान व मुलाजमान को बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी सलाहियतें बेहतर बनाने के मौके फराहम कर रही है।